अच्छा, एक लॉटरी के सिस्टम में रहते हैं कि हमारी लॉटरी फंसेगी और हम करोड़पति बन जाएंगे, वो चक्कर में हम सबसे पंगा ले लेते हैं, जो बात करता उसको ही डांट रहे हैं, कल से तुम्हें करोड़पति बन गया, पता लगा कि लॉटरी नहीं फंसती तो फिर सड़क पे आ जाते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ प्रॉब्लम है तो फिल्म की जो पार्टी है यहाँ पे पोस्टर लॉन्च हुआ है और साथ ही यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं। मेरे साथ बहुत ही फेमस एक्टर है जो किसी परिचय के मोहताज हैं, तो आइए हम उनसे फिल्म के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे कि टाइटल ही है, प्रॉब्लम तो है, हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम है। शादीशुदा है तो प्रॉब्लम है, कुंवारे हैं तो प्रॉब्लम है। कुंवारा आदमी जब सोता है तो गाने सुन के सोता है, शादीशुदा जब सोता है तो ताने सुनकर सोता है। ये शादीशुदा है, फिल्म के अंदर मैं कुंवारा हूँ, मुझे बहुत सारी छूट है। कुंवारा आदमी पलंग के दोनों तरफ से उतर सकता है, शादीशुदा को एक ही तरफ से, क्योंकि एक तरफ हवाई जहाज रहता है तो वो उसको लैंडिंग एक ही तरफ मिलती है। तो कुंवारे और शादीशुदा के बीच में बहुत सारे अंतर, लेकिन प्रॉब्लम तो है। इतने प्रॉब्लम होते हैं मेरे दोस्त को, सुनील जी को, कि मैं उसका हल बताता हूँ और हर हल के बाद एक नया प्रॉब्लम फिर आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम देखने आप लोग थिएटर जरूर जाइए। 23 तारीख को ये पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। विशन जी की इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, अब 23 तारीख को ये फिल्म आ रही है। एक फिल्म और अहमद सिद्दीकी साहब ने लिखा था, राइटर बैठे हैं, इस फिल्म को भी उन्होंने ही लिखा है। इन्होंने तो गाने भी लिख दिए फिल्म, वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। और विशन जी, आपका काम बड़ा स्मूथ होता है, अरे गजब, इतना सा भी टेंशन नहीं रहता, सब हंसते खेलते खाते पीते काम करते। तो फिल्म है प्रॉब्लम तो है, टाइटल बहुत अच्छा है, मैं टाइटल के लिए ही फिल्म साइन किया था। मतलब जब इतना टाइटल हंसा रहा है तो फिल्म तो हंसाएगी, तो फिर मैंने ज्वाइन किया फिल्म जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सीखा है एज अ एक्टर आपने और कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपके? शूटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम आई थी, तो वही मैं, हमारे फिल्म में यही है कि जो भी अपन प्रॉब्लम भगवान के पास रखते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली भगवान ने जैसा आदमी को रखा है ना, उसमें खुश रहना चाहिए, यही है फिल्म में मैसेज है। तो सब जन अगर फिल्म देखेगा तो अच्छा रहेगा, सबको पसंद आएंगे फिल्म, यही मैं एहसान सर से क्या सीखा? उनसे यही सीखा है क्या, एक्टिंग करने का तो खुल के एक्टिंग करो, और जो भी तुम घर में रहते हो या कहीं पहाड़ में गए, आपके सामने या लोग है या कुछ भी है, ये कुछ सोचने का नहीं, आपके सामने बस हरियाली है, यही सोच के आप एक्टिंग करो। मुश्ताक साहब का तो एक विलन के रोल में है बस, और उनका नाम भी बहुत अच्छा है, मुश्ताक जी का प्रोफाइल, मेरा नाम है प्रोफाइल, जब भी एंट्री लेते हैं तो उनको पूरे प्रोफाइल के साथ आते हैं, मारा मारी फाइटिंग सब कुछ, और कॉमेडियन तो वो आई बायोडाटा नाम भी बहुत अच्छा रखा है बायोडाटा, तो वो उनके सारे कमाल देखने को मिलेंगे। और बताइए, जो पूछ रहे हैं मुश्ताक जी और जॉनी लीवर, जूनियर जॉनी लीवर है, उनका नाम मंसूर है, बहुत मशहूर थे एक जमाने में, वो ये फिल्म में डॉक्टर है, इसमें डॉक्टर, वो भी झटका डॉक्टर, झटका झटके ही देते रहते हैं वो, मरीज को कम नर्स को ज्यादा देते उनकी नर्सिंग उनका एंटरटेनमेंट, तो वो भी खूब हंसाते हैं जब भी स्क्रीन पे आते हैं। डायरेक्टर से जानना चाहूंगा, सर फिल्म तो कॉमेडी है और कॉमेडी हास्य इसके अंदर ही है, क्या कुछ प्रॉब्लम आई थी? फिर भी कुछ खास बात बता दो, आपके मन में क्या आया था? जो खास बात है जी, वो भी हमारे सर ने बोल दिया है जी। नहीं, जब आपने किसी का बयान नहीं है तो वो ऊपर वाले से शिकायत कर बैठता है, आँख नहीं है तो भी कर बैठता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ही पूरा वही कि तुम शिकायत बिना वजह कर रहे हो, वो जिसने बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट बना के रखा है, और बाद में हमारा कैरेक्टर हार जाता है और जाके भगवान के सामने सरेंडर हो जाता है कि जो आपने बनाया बिल्कुल सही बना, हम जो डिमांड करते हैं वो गलत। वाह, बहुत जी, मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगे, आपका क्या किरदार है इसके अंदर, आपको बताना चाहेंगे?
देखिए मैं एज ए इनकी गर्लफ्रेंड का किरदार निभा रही हूँ सांझे की। जैसे कि मैंने अभी बोला कि लाइफ में जब तक फीमेल ना हो तो प्रॉब्लम कुछ होती ही नहीं है, अगर फीमेल है तभी पूरा क्लियर ड्रामा हुआ है। तो एहसान जी उनकी तो शादीशुदा जिंदगी संभालते हैं मगर मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं, तो इनकी जिंदगी में मैंने उथल पुथल मचा रखी कि मुझसे कब करोगे शादी की लॉटरी लगने के बाद ही हो जी, लॉटरी लगने के बाद ही सॉरी लॉटरी लगने के बाद ही हो। तो कैसा होता है ना एज ए फ्रेंड ना हम लोग क्या करते हैं अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा दूसरे के सोल्यूशन दे देते हैं, अपना नहीं सोल्यूशन निकाल पाते। तो इनका भी ऐसा ही है कि अपना सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं बाकी सबका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो फिल्म में इनकी गर्लफ्रेंड का किरदार निभा रही देता आपका अच्छा। सुनील जी ये जानना चाहेंगे कि प्रॉब्लम तो है आपकी हीरोइन नहीं है यहाँ, क्या कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो ये है अभी बारिश का सीजन है, रास्ते में खड्डे खड्डे बहुत है, तो इन्ही वजह से उनको अभी लेट हो रहा है, अभी आने की तैयारी में है। यानी हम देख सके? हाँ आप जरूर देखेंगे। अच्छा इसमें गाने हैं क्या, किस तरह के गाने कुछ बताना चाहेंगे, किसने लिखे क्या? ये सॉन्ग तो इसने लिखे ना राजेश घायल ने लिखे, तो अच्छा कॉमेडी सॉन्ग है। ये अभी 23 अगस्त को हम लोग रिलीज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब तरफ चल जाएगा। ऐसा सुना है किसी और भी भाषाओं में और भी से जो आने वाले हैं, तो एक साथ सारी भाषाओं में अलग अलग दिखाएंगे कैसा क्या कुछ है? हाँ लेकिन वो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक को अगर ये पसंद आई तो हम लोग और भाषा में कर देंगे। आइए क्या कुछ दर्शकों को, दर्शकों को यही बोलना चाहता हूँ मैं कि हमेशा खुश रहिए जीवन में और भगवान शिकायत नहीं करना चाहिए भगवान के पास। ये फिल्म यही है, मैसेज है, जैसा भगवान ने आपको रखा है अपने को रखा है वैसा इसमें खुश रहना चाहिए। अपील तो यही है कि जितने भी उतरे हुए चेहरे हैं वो सब खिल जाएंगे, जितने भी उतरे हुए चेहरे सब खिल जाएंगे जब आप प्रॉब्लम तो है फिल्म देखने जाएंगे, तो थिएटर में जरूर जाइए और अपने परिवार को भी ले जाइए, पारिवारिक फिल्म है। बहुत शानदार लगा आप लोगों से मिलकर, आप सब जो मुझे देख रहे हैं सबको मैं दुआ देना चाहता हूँ, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, और वैक्सीन आया था भाई चाइना से अहमद जी, तो चाइना को भी दिखाना चाहिए आईना, तो मैंने चाइना को दिखाया आईना। चाइना वाले तो आज भी इसलिए शर्मिंदा हैं, चाइना वाले तो आज भी इसलिए शर्मिंदा हैं यार, कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा है। चाइना वाले तो आज भी इसलिए शर्मिंदा हैं यार, कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा है। तो मैंने भारत की तरफ से जवाब दिया, सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। तेरी बात जो सुना अच्छी लगी थोड़ी, तो हम लोग ने प्लान किया कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप, हम लोग ने तो तैयारी की, हमने काम किया, हम तो यही शुभकामना देते कि बहुत अच्छी चले फिल्म, सब लोग जाए देखने के लिए। इसमें मेरा इंस्पेक्टर का रोल है, सर को पुलिस स्टेशन में बुलाता हूँ, पूछता भी ये कौन है, बोले हमारे दोस्त है। मैं क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, एट ए टाइम इन्होंने डायलॉग बना दिए, मैं भी चकरा आ गया। बोले सर हमारा तो रहना ही थाने में है, हमारा तो राशन कार्ड थाने का है,
हमारा सब कुछ थाने का मैं समझा नहीं। मैं कहते हम पहले कल्याण में रहते तो थाना में रहते एट ए टाइम। ये स्क्रिप्ट में नहीं था लेकिन चूंकि मैं हीरो के साथ पुलिस स्टेशन में आया हूँ तो ये वेलकम करते हैं। बड़ी खुशी हुई आप थाने में आए। मगर क्यों नहीं आएंगे, थाने से हमें बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। हमारा राशन कार्ड थाने का है, हमारा आधार कार्ड थाने का है, हमारा वोटिंग कार्ड थाने का है। बोली मैं समझा नहीं जनाब इंस्पेक्टर साहब। मैं कहा सर हम पहले कल्याण में रहते थे, आजकल थाने से हो गए। अरे ये जो ठहाका लगाए इन्होंने, पहले ही सीन उभर के आया और फिर पूरा सीन भी हम लोगों ने शानदार जानदार किया। जाहिद अली साहब हमारे साथ हैं। बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, न सोज दिल हूँ ना दर्द निहां। अरे लफ्जों में मुझे कहाँ ढूंढते हो दोस्तों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्तान। I take immense pleasure, of course, coupled with honor and pride to be a part of this grand occasion, जहाँ पर एक release की तैयारी हो रही है, एक poster launch हुआ है। मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पूरी टीम के साथ है। मैंने तो मशक्कत जो इन लोगों ने की है उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें भी यहाँ शामिल होने का शर्फ हासिल हुआ। मैं एहसान भाई का भी खुसूस शुक्रगुजार हूँ जिनकी मोहब्बत और शबरी का नतीजा है कि इस वक्त यहाँ हमारी हाजिरी हुई है। थैंकफुल टू शबीना खान। और सर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म बनाना इंडस्ट्री में जो मेरा तवील तजुर्बा रहा है उसमें फिल्म बनाना बहुत आसान है लेकिन उसे रिलीज करना, उसे लोगों तक पहुंचाना सबसे मशक्कत और बहुत दिक्कत का काम है और बहुत जद्दोजहद और साथ ही साथ जो रुसवाइयां पेश आती हैं उसके उसको आप सामना करते हुए जब आते हैं और उसके बाद इसको रिलीज करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आखिर में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से। जी हाँ सुनील साहब, बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से, जाहिद अली गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना। मुझे अच्छा लगा मूवी का नाम सिर्फ ये प्रॉब्लम तो है, बट मैं यही चाहूंगी कि ऑल टीम उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, पर मैं चाहूंगी सब जाके थिएटर में मूवी को देखे और बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। नाम तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं ऐसे लगा कि भाई मूवी का नाम अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। राम जी की कृपा होगी तो बहुत चलेगी। अच्छा मैं ये जानना चाह रही थी, सारी महिलाएं बैठी है, महिलाएं ज्यादा होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो मूवी में काम किया है, मतलब बहुत सपोर्ट किया है, एहसान भाई बहुत हटाते थे और काम करते थे ना, बहुत अच्छा लगा। चाहते हैं कि मूवी अच्छी जाए, यही दुआ है हमारी भगवान जी से, मतलब मूवी सुपर हिट हो। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया मूवी में। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगी, तो क्या प्रॉब्लम है उसको देख के आप उसका सलूशन भी बताइए। बहुत ही अच्छी मूवी है और जो नाम है मूवी का उसमें सुन के इतना मजा आ रहा है, दो तीन बहुत ही अच्छी मूवी लगी। हम जब देखने जाएंगे हम सबसे कहते हैं नाम सुन के इतना मजा आ रहा है, देखने में कितना मजा आ रहा है। आप लोगों को भी थैंक यू उसको क्लोज करते हुए, और जितने मीडिया वाले यहाँ बैठे, जितने हमारे गेस्ट हमको अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जाइए 23 अगस्त को और ये रिलीज होगी। इस फिल्म में सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। वहाँ एक पंडित जी मिलते, मैं कहा पंडित जी इनकी इनकी पूजा करवा दो यार, इनकी प्रॉब्लम हल हो जाए। वो पंडित जी ये है विजय। चलो प्रणाम करो और बताओ कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा। प्रॉब्लम तो है, जो शब्द है सबको प्रॉब्लम रहता ही है, तो प्रॉब्लम तो है। मैं तो बहुत प्रॉब्लम था हीरो को, तो उसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ। बल्कि मैं पंडित का रोल करने वाला नहीं था, लेकिन मैं बोला इस टीम का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, पंडित का रोल है तो पंडित का करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मेरी एक फिल्म आने वाली है सुशासन, अगली फिल्म आयना करके। लेकिन एहसान जी के साथ काम करके बहुत मजा आया और हमारे हीरो औरंगाबाद के बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। सुनील जी ने अपनी एक्टिंग अच्छी तरह से निभाई और ही इज ए वेरी गुड एक्टर। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग फिल्म देखे और ये फिल्म को सक्सेसफुल बनाए। वो मंदिर ही मेरा था, अयप्पा मंदिर, अयप्पा मंदिर अन्नपूर्णा, बहुत बहुत ऊंचाई पे है। देखो इनको दक्षिणा हमने ओरिजिनल दिए, मगर इनने जो प्रसाद दिए थे वो डुप्लीकेट था।
प्रॉब्लम तो है, अरे बहुत सारे मौके आए जहाँ प्रॉब्लम तो है, जैसे कई कई प्रोड्यूसर के बाउंस हो जाते ना चे एकदम, आती सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अरे यार 15 दिन गांव में शूट करके आए वो चेक बाउंस हो जाए तो वहाँ आ जाती प्रॉब्लम। लेकिन हमारे साथ है एक सरफराज खान, ये सरफराज जी वो है जो सबको स्टेप सिखाते हैं। तो कमाल की बात तो ये है, ये कार्यशाला जो करते ना वर्कशॉप, ये नहीं कर, ऑन स्पॉट सारे डांस टीम तैयार है और इनने ही बता दिया यहाँ से यहाँ तक बीट पकड़ना है और आना है। बड़े मास्टर आदमी है सरफराज जी, दो तीन फिल्मों में ये नचवा चुके हैं, तो इनसे मिलवाते हैं। सरफराज जी बताइए, ये सर बताइए कि कितना मुश्किल रहा या आसान रहा ये दो कलाकारों को नचाना या उनको स्टेप सिखाना? मुश्किल तो थोड़ा बहुत रहा, क्योंकि अभी ये भी हमारे सर जो है न्यू है और उनको डांस का बहुत ही कम जानकारी था, लेकिन इन्होंने इतना सपोर्ट किया और मेहनत किया इन्होंने और मेरे मुश्किल को जो है आसान कर दिया। और सर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा, बेस्ट, और अभी ऑन द स्पॉट रिहर्सल, नो रिहर्सल, कुछ रिहर्सल, ये छूट दे देते मुझे तो मेरे अंदर धर्मेंद्र की आत्मा जाए, कभी जितेंद्र आते थे मैंने सब पर ये बोले ओके तुम तो जो भी करो सब ओके, और डांसर्स के साथ सिंक भी अच्छा कर। देखिए मीडिया की मौजूदगी में यहाँ पे एक गाना लॉन्च किया गया है और साथ ही फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया गया है, तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान से और कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना और ट्रेलर कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरत पारिवारिक फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी एंड रोमांटिक फिल्म है, प्रॉब्लम तो है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च किया गया है आज मीडिया के सामने और एक गाना भी लॉन्च किया गया है। ऐसा एक मेरा एक कैरेक्टर है कि मैं एक फैमिली वाला होता है और मेरे मन में अगर कुछ भी नहीं क्या मतलब गलत गलत कुछ भी आ जाता है तो उसको एक मेरा एक वो प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरे को सुनने को नहीं आता है बराबर, और मैं भगवान के पास जाता हूँ तो भगवान और वरदान देता है और दूसरे के मन की बात सुनने का, तो वो भी सुनता है तो उसमें थोड़ा कॉमेडी बताया और ऐसा करके एक मैसेज है कि दुनिया में हर एक लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है और भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बोलते मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझको तुमने ऐसा किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया था, ऐसा कुछ नहीं रहता है, भगवान ने सबको बराबर उसके हिसाब से जो भी दिया, तो इसलिए एक मैसेज है कि सबने अपने भगवान ने जैसा रखा है वो उसमें खुश रहना चाहिए, उसमें समाधान रहना चाहिए। नहीं इसके पहले मैं डांस करता था तो मैं ऐसे ऐसे डांस करना किया, थोड़ा सा दिक्कत आई लेकिन मुझको एहसान भाई ने मुस्का खान ने तो उन्होंने पूरा मुझको समझ के लिया और जो भी डायलॉग है तो उसको कवर कर दिया। तमाम देखने वालों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार हैं, और कैम छो मजामा सबको प्रणाम करते हैं। फिल्म का नाम है प्रॉब्लम तो है जी। इस प्रॉब्लम तो है में बिशन यादव हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बोले एक स्क्रिप्ट आई है यार आपके लिए बहुत अच्छी है। मैंने कहा क्या रोल है, बोल बस हीरो के साथ हैं आप, सेकंड लीड आप ही हैं। मैं कहा अच्छा, तो मैंने कहा यार पुरानी फिल्मों में हीरो को एक हीरोइन मिलती थी तो कॉमेडियन को भी एक ही, बोले इसमें भी देंगे आपको, तो मैं कहा चलो करते हैं। तो फिर हमने ये फिल्म की है जी, सुनील सोनवाने हैं हीरो और निकिता पोते हीरोइन है, तो मुझे भी एक हीरोइन मिली। प्रॉब्लम तो है ना, उनको हमारे हीरो को बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम को हल करना हमारा काम रहता है, हम उनको मंदिर ले जाते हैं, हम उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उनकी फैमिली मेंबर से मिलवाते, लेकिन एक ख़त्म होती दूसरी प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाती, तो हंसाते हंसाते इन सब का समाधान हमने फिल्म में किया है। फिल्म बहुत अच्छी है, परिवार के साथ देखने लायक है, पूरे परिवार के साथ जाएंगे लोग और हंसते हुए जाएंगे, हंसते हुए वापस आएंगे, इस बात की गारंटी। बस ये फिल्म का मैसेज है, फिल्म जरूर देखें। लेकिन लॉटरी के सिस्टम में रहते हैं कि हमारी लॉटरी फंसेगी और हम करोड़पति बन जाएंगे,
वो चक्कर में हम सबसे पंगा ले लेते, जो बात करता उसको ही डांट रहे हैं, कल से तो मैं करोड़पति बन गया, पता लगा कि लाटरी नहीं फंसती तो फिर सड़क पे आ जाते, वो भी एक कॉमेडी है। तो हम कहते हैं कि नहीं, करोड़पति नहीं यार, शान से जिस जगह पे हैं उसी जगह पे रहो। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तो है, फिल्म का ये इवेंट था और 23 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बने रहे मेरे चैनल के साथ इसी तरह के वीडियो के लिए।